लंदन में फिर राहुल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा पत्रकारिता और न्यायपालिका जैसे संस्थानों पर सरकार का काबू, संसद में खामोश कर दिए जाते हैं विपक्ष के माइक। आज मेघालय और नागालैंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आज असम भी जाएंगे पीएम मोदी, गुवाहाटी में राज्य कैबिनेट के सदस्यों के साथ करेंगे मीटिंग। एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा का बड़ा बयान, कहा कैबिनेट में 12 मंत्री होंगे शामिल, एनपीपी के 8 विधायक बनेंगे मंत्री, बीजेपी कोटे से एक मंत्री को शपथ। आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, बजट के अलग अलग आयामों पर करेंगे चर्चा। बीजेपी का राहुल के बयान पर पलटवार, नकवी ने कहा देश में कोई सुनता नहीं इसीलिए विदेश गए। एक बार फिर बढ़ सकती है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें, जमीन के बदले नौकरी मामले में आज सीबीआई कर सकती है पूछताछ। गौहत्या पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा कुरान में गौहत्या को निषेध बताया गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का पलटवार, कहा आजादी के बाद खुद ही बनाया था नैरेटिव। दिल्ली के नंद नगरी नाबालिग हिंदू लड़की पर चली गोली, आरोपी कासिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अस्पताल में लड़की का इलाज जारी, घटनास्थल पर पुलिस बल की भी तैनाती। पीएम मोदी ने गर्मियों की तैयारियों पर की है उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर किया मानहानि का केस, सीएम गहलोत ने संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया। उमेश पाल केस में अतीक के बहनोई से पूछताछ, मेरठ से एसटीएफ टीम पूछताछ के लिए ली गई है, एसटीएफ असद के बारे में जुटा रही जानकारी। माफिया अतीक की बहन का बयान, कहा मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, अखिलेश ने योगी को उकसाया। अतीक अहमद की बहन को बीजेपी नेता नंदगोपाल नंदी का जवाब, ट्वीट कर लिखा असल मुद्दों से भटकाने की हो रही है कोशिश। ऋषिकेश में संतों की बड़ी चेतावनी, मांसाहार और शराब पर रोक लगाने की मांग, 14 मार्च को बड़ी बैठक बुलाई। मऊ में अराजक तत्वों ने बाबा साहेब अंबेडकर की तोड़ी मूर्ति, ग्रामीणों ने किया हंगामा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु से लौटे यात्रियों ने हमले की खबर का किया खंडन, सोशल मीडिया की खबर को बताया गलत। बिजनौर में होली से पहले शराब माफियाओं पर एक्शन, ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई होली, जमकर खेला रंग, मिठाइयां भी बांटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लिया, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर सम्मेलन हुआ। उमेश पाल हत्याकांड केस में मुस्लिम हॉस्टल किया गया सील, हॉस्टल में हुई थी हत्याकांड की साजिश। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हुई तेज बारिश। पंजाब के लुधियाना में राशन कार्ड से नाम काटने पर भड़के लोग, विधायक गुरप्रीत गोगी के घर का घेराव किया। अमृतसर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई करीब 29 लाख के विदेशी सिगरेट, इंपोर्टेड सिगरेट के बैग बरामद किए गए, दुबई से आई थी फ्लाइट। राजस्थान के अजमेर में 4000 का डीजल भरवाकर भागे कार चालक, कार की टंकी में पेट्रोल पंप का नोजल अटका, बड़ा हादसा टला। हरिद्वार में संतों ने खेली फूलों की होली, उज्जैन में भी बड़ी संख्या में भक्त उमड़े, गोरखपुर में सीएम योगी ने खेली फूलों की होली। होली पर सीएम योगी का बयान, बोले जबरन लोगों पर ना डालें रंग, सहमति के आधार पर खेले होली। महाराष्ट्र के ठाणे में होलिका दहन का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जश्न में हुए शामिल। मुजफ्फरनगर में बेटे बहू से नाराज बुजुर्ग ने सरकार के नाम की 1.5 करोड़ की संपत्ति, अंतिम संस्कार का हक भी छीना। नेपाल में भी दिखी होली की धूम, विदेशी लोगों ने भी जमकर खेली होली। बांग्लादेश में आग लगने से रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप तबाह, हजारों लोग बेघर। म्यांमार के नागरिकों का बड़ा दावा, सेना ने एक हफ्ते में की 17 लोगों की हत्या, कई गांवों को भी किया तबाह, महिलाओं के साथ रेप के भी आरोप। अमेरिका के मैसेचुसेट्स में ट्रेन स्टेशन की छत का हिस्सा गिरा, बाल बाल बचे यात्री। जॉर्जिया की संसद में जमकर बवाल, एक बिल को लेकर सांसदों में मारपिटाई, जमकर चले लात भूसे। दक्षिण अफ्रीका के मैलांगा में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, लगभग 40 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई लोग घायल। पेरू में बड़ा सड़क हादसा, बस और बाइक में टक्कर, 12 लोगों की मौत। ग्रीस में रेल हादसे के विरोध में प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने परिवहन मंत्रालय के बाहर रखी 57 खाली कुर्सियां। अटलांटा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, 35 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, पुलिस के अधिकार बढ़ाने के विरोध में उतरे थे प्रोटेस्ट। तुर्की में फुटबॉल मैच के दौरान आपस में भिड़े दर्शक, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया।
थाईलैंड के मंदिर में मनाया गया मक्खा बुच्चा डे, 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए, 2 साल बाद मनाया गया ये त्यौहार। साल 2023 में आर्थिक विकास दर को लेकर चीन का दावा, 5% की ग्रोथ रेट को हासिल करेगा चीन। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने LOC पर किया संयुक्त सैन्य अभ्यास में कई फाइटर प्लेन भी शामिल। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा युद्ध में रूस ने ईरान के ड्रोन किए इस्तेमाल। यूक्रेन के इजम के लोगों में डर का माहौल है, लैंड माइंस की वजह से बना हुआ है यह खतरा, रूसी कब्जे से आजाद हो चुका है इजम। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी जीत, बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। मुंबई के ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज ने खेली 77 रन की पारी, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को 50 रन से हराया, शाकिब अल हसन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, इंग्लैंड ने जीती वनडे सीरीज। IPL में धोनी ही करेंगे CSK की कप्तानी, टीम के CEO काशी विश्वनाथ ने दी इसकी जानकारी। स्मृति मंधाना को पसंद नहीं विराट कोहली से अपनी तुलना, बोली विराट ने RCB के लिए जो हासिल किया वो उसके करीब भी नहीं। Z News।